आज का रात्रि क्लास है 22 दिसंबर 1968। अधूरी वाणी है। सारे विश्व में तो जबकि बाबा दिन में आते हैं शिव जयंती होती है, जरूर शिव जयंती होती होगी जब सृष्टि की शुरुआत होती होगी, क्योंकि नई सृष्टि रचते हैं। तो जबकि उस दिन शिव की जयंती है तो बाप की ही मीठी मीठी जो भी शिक्षा मिलती है, जो तुम बच्चों के सिवाय और किसको भी नहीं मिलती है, सिर्फ बच्चों को ही मिलती है। और बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण करते हैं और ये तो सभी जान सकते हैं कि सबसे अच्छी धारणा किसी की होती है, ये तो बहुत तो नहीं होते हैं, थोड़े होते हैं। महावीर और महावीरनी ये थोड़े होते हैं। तो हरेक अपने अपने गांव में सेंटर पर और मीठी मीठी बातें बाप की सुनावे। तो क्या मीठी मीठी बातें सुनावे, फिर उसमें भी जो मीठी इतनी बातें बाप से सुनते हैं तो बाबा बाबा करके सुनावे। जो अपना जो हद के बाबा और बेहद के बाप में क्या फर्क है, और वो बातें सोगेंगी भी बेहद के बाप की जयंती पर, उनकी महिमा होती है। तो महिमा सुनाने से, जैसे तुम बच्चों को महिमा बहुत मीठी लगती है ना, तो ऐसे जरूर कोई निकलेंगे जो उनको भी बहुत अच्छी मीठी लगेगी और निमंत्रण भी देते हैं दूसरों को। तो क्या मीठी मीठी बात सुनावे, वो जगदीश को, क्योंकि ये तो है ही संजय। इसका मतलब ही है संपूर्ण जय जिसकी होती है। तो यही सुनावे, यही समझाने वाला, सबको सुनावे सुनाने वाला। क्वेश्चन लिखते हैं, सुनाते हैं या मैगजीन में निकालते हैं। तो हम भाइयों को, ये जो बड़ा भाई है जगदीश, ये संजय बड़ा भाई हुआ ना, नामी ग्रामी तो यही है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बात लिख करके देंगे सुनाने के लिए, जो सभी बाबा के ऊपर मोहित हो जाएंगे और है भी बहुत मीठी मीठी बात, क्योंकि बाप को याद करने से ये जो आधा कल्प के पतित मनुष्य बनते हैं, सो आधा कल्प के लिए फिर पावन बन जाएंगे।
ऐसी ऐसी मीठी मीठी लिख कर ये बातें देंगे। हम तुम भाइयों के लिए और ऐसे बड़े दिन के लिए जो सब खुश हो जाएंगे, तृप्त आत्मा हो जाएंगे। क्या समझते हो बच्चे? लिखेंगे ना हम भाइयों के लिए। नाम तुम्हारा बाला है ना, संजय का नाम। और हरेक अपने सेंटर में बहुतों को बुलाए बुलाए कर करके बहुत मीठी मीठी बेहद के बाप की हम तुमको उनकी जीवन कहानी और सारे सृष्टि के आदि मध्यंत और ड्यूरेशन की ये आखानी या कथा कहो, कुछ भी कहो, जो ये लिख करके देंगे हम लोग की उन, हम बल्कि कोशिश करेंगे जरूर। ऐसे नहीं है चुप करके बैठ जाएंगे, नहीं, हरेक को अपना भोजन भी बनाना है और दूसरे का भी भोजन देखने का है। भोजन की भी होती है ना, महफिल में हरेक अपने अपने घर से अच्छा अच्छा भोजन बना के आवे। क्यों? इसीलिए कि देखें सबसे अच्छा किसका भोजन मिलता है। तो ये भी तो भोजन है आत्मा के लिए। जो कहा जाता है फूड फॉर थॉट, भाई ये जो भोजन है वो है ही बुद्धि के लिए। तो ऐसा अच्छा भोजन तो सिवाय ये बाकी सो कोशिश तो सब कोई करेंगे ना। बाप भी कोशिश करेंगे और बच्चे भी सब कोशिश करेंगे। क्योंकि दुनिया भर में इस जैसा फूड फॉर थॉट यानी आत्मा के लिए भोजन, जो उन्नति के लिए भोजन है, तो और तो कोई बना ही नहीं सकेंगे। और मालूम भी पड़ेगा कि कौन अच्छा भोजन बना ही सकते हैं। अब बेविचारी नहीं तो अच्छा नहीं बनाएगा। ढेरों की याद के संकल्प चलेंगे भोजन बनाते समय, तो बाबा उनको बुद्धू कहेंगे और क्या कहेंगे। क्योंकि आत्मा को ही तो खुशी होती है ना। फूड भी आत्मा को मिलता है, कोई शरीर को तो नहीं मिलता है। और शरीर को तो ये पूरी कचौड़ी फलाना ये तो जन्म जन्मांतर खाया हुआ है। आत्मा का विविचारी भोजन तो बाप ही आकर के सिखाते हैं। और ये एक ही जन्म के लिए अब बाबा देते हैं ये। अव्वल नंबर जन्म की बात है, तो जबकि 5000 वर्ष के बाद ये इतना अच्छा तो के लिए रूहानी फूड कहो या ज्ञान कहो,
तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और भोजन पाना भी चाहिए, हजम भी करना चाहिए। इस भोजन का बदहाजमा नहीं होना चाहिए, जैसे हो जाता है बहुतों को। नहीं, हाजमा होना चाहिए अच्छा। तो जिसको अच्छा हाजमा होता होगा ना, वो तो जरूर अच्छा ही लिख करके आएंगे। और टाइम भी तो बहुत है, तो ये महफिल सबको कराएंगे बच्चे। और हर एक अपने अपने गांव में ये महफिल कराए, फिर इसका नाम वगैरह रखना महफिल का, या कैसे निमंत्रण देवे, क्या करें, जो बहुत खुशी से उमंग से भाग भाग करके आवे, आ करके सुने। वो फिर इनके ऊपर है निमंत्रण, जिसको कहा जाता है। निमंत्रण थोड़ा बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो कोई हर्जा नहीं है। और बहुत अच्छे शोभनी के पत्र पर निमंत्रण हो, जैसे आगे एक निकला था ना पत्र, किसका था, एक ये इसके ऊपर किसी ने कहा रक्षाबंधन पर भी बाबा निकला था। किसका नहीं, वो निकला था, मैं आगे भी पढ़ा था, ये शादी का था, ऋषियों की सावित्री। ऋषि पुत्री की शादी थी, और शादी के नमूने जो अब इतनी शोभनीक है, नाम ही है सावित्री, सौ और इत्री, सौ इतरों की सुगंध वाली। ये तो प्लास्टिक थी, उसके ऊपर बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। वह मैं समझता हूं वो मुगले का, उनका भी कुछ इसके ऊपर निकला था, जो नाटक है। तो किसी ने कहा मुगले आजम, हाँ मुगले आजम, उसने भी बहुत उसके ऊपर कुछ निकाला था। तो निमंत्रण भी बहुत अच्छा, सुनाएंगे भी और सबको दे देंगे भी, फिर पढ़ते भी रहे। ऐसी चीज हो गए जो छोड़े ही नहीं, जैसे कि यादगार हो जावे, टांग करके रख देवे। अरे पूरा निमंत्रण ही टांग करके रख देवे। ऐसे ऐसे ख्यालात अगर चला में, पर जब निकाल के आएंगे तो बोलेंगे ये कलप पहले भी ऐसे बनाया था। बाकी एक जगह में सबको मंगाना और खर्चा करना, और एक ही जगह में कोई साफ साफ बॉम्बे वाले, तो कोई सुनेंगे भी नहीं।
नहीं, यहाँ तो बहुत कार्ड, बहुत कार्ड छपाना चाहिए, अच्छा अच्छा सुना करके, उनमें निमंत्रण हो। और उनमें कार्ड्स में वही नॉलेज का सारा सार हो भी, बुरेजगारी और ये नटसेल में सार हो भी, ऐसा ख्याल आ चला। नॉलेज पढ़नी है तो ये ही नॉलेज पढ़नी, बुद्धि कहती है ना बच्ची, नॉलेज या स्कूल में पढ़ना हो, पाठशाला में पढ़ना हो, और ये भगवान की वो ही पाठशाला, रूहानी बाप की पाठशाला में तो स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स ही होंगे ना, उसको पढ़ाते होंगे, पढ़ाते रहेंगे। अभी सदैव जब ये अपन को समझो कि हम रूहानी शागिर्द हैं, रूहानी बाबा पढ़ाते हैं, तो ये भी तो अच्छी याद की यात्रा रहे ना, कि सुनाएंगे ये रेडियो क्या, ये क्या है टैप टैप, हाँ ये पूरी अक्षर, बड़ा अक्षर पूरा पूरा सुनाएंगे, और वाणी में जरूर कितना फर्क पड़ जाएगा, मिस हो जाएगा। बाकी यहां तो सन्मुख लिए, सन्मुख के लिए बाप के सन्मुख, भगवान के सन्मुख के शिव बाबा द्वारा हम सुनते हैं, फिर यहां आने से आशाएं पूरी हो जाए कि भाई तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से बेलूं, तुम्हीं से करूं, ये करूं वो करूं, सभी बातें यहां पूरी हो जाती हैं। अच्छा, मीठी मीठी इसके लिए रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते।